हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप मेरे हाथ में एक चीज़ देख रहे हैं जो कि आपने आज से पहले आई होप के कहीं भी नहीं देखी होगी। गाइज, ये एक्चुअली अपेरेंटली आपको पता ही चल गया होगा कि ये है जी एक 2.1 सबवूफर एम्पलीफायर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है जी लो पास फिल्टर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है लो पास फिल्टर और यहाँ पर लिखा हुआ है बीटी मॉड्यूल, मतलब कि ये एक 2.1 सिस्टम है और इसके अंदर जो है मैंने एक्सटर्नल लो पास फिल्टर लगाना है और एक्सटर्नल ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना है। तो एक्चुअली आई वॉज टेस्टिंग ऑन इट और मैंने सोचा कि ये मैं ब्रिज एप्लीकेशन जो है इसको पहले यूज़ करूँ इसके अंदर, ताकि हमें ज़्यादा अच्छा पावरफुल रिस्पॉन्स मिले। 2030 यानी कि TDA 2030A जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है हमारे पास, वो ब्रिज एप्लीकेशन पर हमें 35 वाट्स RMS प्रोवाइड करता है। 35 वाट्स की जो ब्रिज एप्लीकेशन है TDA 2030A इंटीग्रेटेड सर्किट की, वो हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है और हमें ये 105 वाट्स RMS प्रोवाइड करेगा, विच इज़ एनफ फॉर इंडोर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल लो पास फिल्टर लगाना है और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कौन सा यहाँ पे लो पास फिल्टर मॉड्यूल लगाना है। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये मैं लगाऊंगा अभी यहाँ पे, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इस जगह के ऊपर। और इसके अलावा जो ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है जी। ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये मैं लगाऊंगा इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। प्रॉपरली मैंने यहाँ पे साइजेस वगैरह इसके ध्यान रख के इस डिज़ाइन को मैंने बनाया और उसके बाद फिर मैंने जो है वो ये सोचा कि मैं इसकी जो वीडियो है वो बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा, एक प्रॉपर डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें क्या मैं करूँगा कि ये जो लो पास फिल्टर है यही वाला जो डिज़ाइन होगा, सेम टू सेम यही वाला डिज़ाइन मैं इसके अंदर एम्बेड कर दूंगा और बिल्ट इन हमारे पास यहाँ पे लो पास फिल्टर डिज़ाइन मिलेगा, जिसमें हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इजीली कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले लो पास फिल्टर जो है हमारा उसको इसके ऊपर फिक्स करता हूँ एंड देन उसके बाद जो है हम ब्लूटूथ मॉड्यूल चेक करेंगे इसको फिक्स करके, एंड देन उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जी तो गाइज़, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने जो हमारा लो पास फिल्टर है इसका मॉड्यूल मैंने इसके ऊपर इस वक्त फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैं इसकी सोल्डरिंग करूँगा इन पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। जी तो गाइस, सिस्टम हमारा इस वक्त रेडी है और इसको ऑन करने से पहले, चेक करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसमें। एक्चुअली गाइस, ये है जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है लो पास फिल्टर का सेक्शन और इसमें मैंने अभी एक्सटर्नल लो पास फिल्टर लगाया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिंग के लिए मैं सर्किट बना रहा था, क्योंकि यही वाला जो सर्किट आप जैसा कि ये देख रहे हैं, यही सेम टू सेम सर्किट मैं इमिटेट करके इसके अंदर नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आप देखेंगे कि मैं एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें 35 प्लस 35 प्लस 35 यानी कि 105 वाट्स का 2.1 सिस्टम होगा लो कॉस्ट TDA 2030A इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करके। और उसमें ये वाला जो हमारे पास फिल्टर है, बहुत ही अच्छा फिल्टर है ये, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सबसे बेस्ट बात यह कि हमें इसमें मिल जाता साथ, हम इससे फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक एडिट है वो ये है कि यहाँ पे है जी हमारे पास बिल्ट इन जो हमारा ब्लूटूथ सिस्टम है, और इसका ये होगा कि हमारे पास इसमें हाइब्रिड इनपुट आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ से ऑडियो इनपुट भी इसको दे सकते हैं और इसके अलावा ब्लूटूथ की जो इनपुट है वो भी हम इसको दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है जी ब्लूटूथ स्विच, यहाँ पर लिखा हुआ है BT स्विच, यहाँ पर ब्लूटूथ की ऑन और ऑफ की ऑप्शन आपको मिलेगी और यहाँ पर आप कोई भी स्विच या बटन वगैरह लगा के इसको ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये है जी रेगुलेटर 5 वोल्ट्स के ऊपर ये ब्लूटूथ किट चलती है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स का हमने जो रेगुलेटर है 7805 ऑलरेडी लगा दिया। और जो ये इंटायर हमारा सर्किट है लो पास फिल्टर का, इसके अंदर एसी कंट्रोल ऑलरेडी है, तो इसमें हम एसी इनपुट ही यहाँ पे दे रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो भी है रेक्टिफिकेशन वगैरह होने के बाद आगे ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये चल रहा है। और जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट जो चीज़ है सर्किट में लो पास फिल्टर में, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो मिलते हैं NE5532 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारा काम करते हैं फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। इसके अलावा जो है ओवरऑल जो हमें लो पास एक फ्रिक्वेंसी मिलती है, लो पास बेस आउटपुट मिलती है, वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छी मिलती है। यहाँ से हमने देना है ट्रांसफार्मर का इनपुट यानी कि एसी इनपुट, और ओवरऑल जो हमारा सर्किट है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बिहेव करता है, ये मैं अभी पहली दफ़ा ही टेस्ट करूँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए टेस्ट करते हैं अभी इसको।